बैसोदा नगर परिषद की बोर्ड मीटिंग में प्रस्तावित विधायक प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे हिमांशु चतुर्वेदी को लेकर कई पार्षदों सहित नगर परिषद अध्यक्षा गायत्री अजय पौराणिक ने नाराजगी जाहिर की। मीटिंग में 17 में से 13 मुद्दों पर पार्षदों की सहमति रही, वहीं शेष 4 मुद्दे आगामी बैठकों के लिए टाल दिए गए। हालांकि बीते 28 मार्च को विधायक कार्यालय से जारी पत्र में बोर्ड बैठकों के लिए प्रतिनिधि के रूप में हिमांशु चतुर्वेदी का नाम प्रस्तावित किया। उसके बाद आज बोर्ड बैठक में चतुर्वेदी शामिल हुए, जिस पर कई पार्षदों समेत अध्यक्षा ने भी नाराजगी जताई। हमारी पूरी बोर्ड की असहमति है इसमें कि बाहरी व्यक्तियों को विधायक प्रतिनिधि के तौर पर ना लाया जाए, क्योंकि हमारे और भी अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, श्याम जी गुर्जर हैं, हरीश जी विश्वकर्मा हैं, नाथूलाल जी हैं, राकेश जी यादव हैं, अन्य और भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जो परिषद की सब चीज़ों को अच्छे से समझते हैं और उनका इंटरफेयर भी सबको गलत नहीं लगेगा। लेकिन ये जो बाहरी व्यक्ति को भेजा गया है, इससे पूरी परिषद में असहमति है। अगर आगे भी इनको स्थायी प्रतिनिधि के रूप में रखा जाता है तो परिषद के जो बोर्ड है उसके हम पूरे बहिष्कार करेंगे बैठक का, वो बैठक नहीं होने दी जाएगी अगर वो भारी लोग आते हैं। सब पार्षद कहेंगे जैसा ही करना पड़ेगा परिषद को, इनके इनकी वजह से ही बने जनपद जी, तो ये सब कहेंगे वैसा ही करना पड़ेगा। तो अभी जो है आप सभी लोग असहमत हैं इसको लेकर के? जी हाँ, अगर ये कहेंगे वैसा ही करना पड़ेगा और ये असहमत है तो मैं भी असहमत हूँ इनके। अगर आगे ऐसा नहीं होता है तो क्या अल्टीमेटम रहेगा आपका? हम कोई भी नहीं चाहते कि इनको प्रतिनिधि नहीं बनाया, स्थायी नहीं बना जाए। गरीब नवाज कॉलोनी के वासियों ने पार्षद प्रतिनिधि जावेद हुसैन के नेतृत्व में कॉलोनी में नई पाइपलाइन की मांग को लेकर राजस्थान जन अभियोग निराकरण समिति के सदस्य राजेश गुप्ता करावन को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा कि कॉलोनी में 40 वर्षों पुरानी छोटी पाइपलाइन है जो जर्जर अवस्था में है। स्थानीय वासी पिछले कई वर्षों से गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। इस बारे में कई बार जलदाय विभाग को भी बताया। मस्जिद गली में इन दिनों नगर पालिका द्वारा सीसी सड़क निर्माण किया जा रहा, लेकिन जलदाय विभाग पाइपलाइन को नहीं बदल रहा। इस दौरान एडवोकेट दिलशाद नूर, नियामत अली, शकील कुरैशी, जावेद अंसारी, फिरोज खान, नईम शाह आदि मौजूद रहे। झालावाड़ जिले के डक क्षेत्र में पैंथर ने अधेड़ पर हमला कर घायल कर दिया, जिसे एम्बुलेंस की मदद से डक सीएससी लाया। मामला है क्षेत्र के सुजानपुर गांव के जंगल का, जहां गांव में बकरी चराने वाले बच्चों ने एक पैंथर को देख इसकी सूचना पास के ही खेत पर काम कर रहे रामलाल पुत्र भुवान सिंह को दी, जिस पर ग्रामीण झाड़ियों में छुपे पैंथर को देखने नजदीक गया। इसे पंजा मारकर पैंथर ने नीचे गिरा दिया। पास ही बच्चों ने पत्थरों से पैंथर को हमला कर भगाया, सूचना पुलिस प्रशासन को दी। वहीं घायल को एम्बुलेंस मदद से सीएससी लाया। देखते ही देखते ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। वन विभाग के कर्मचारियों ने व पुलिस ने भीड़ को तितर बितर किया, मौके से हटाया और रेस्क्यू के लिए वन विभाग की जलावर टीम मौके के लिए रवाना हुई। घटना के बाद से ही ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पुलिस प्रशासन पैंथर पर नजर जमाए। डक से इसके मीडिया के लिए सुनील निगम। चीता था, शेर था, चीता कैसे कैसा कैसे कलर का था वो? उसके ऊपर कुछ धब्बे थे, काले धब्बे थे। यहाँ से सूचना मिली कि पैंथर आया हुआ है। हमने साहब से बात की, साहब ने बताया कि वहाँ जाओ, पैंथर आया हुआ है तो उसकी जो भी मतलब गतिविधि है वो देखो और उसके बाद में मौका रिपोर्ट दो साहब। मंदसौर जिले के खेजड़िया गांव में चल रही 3 दिवसीय हनुमंत कथा के दूसरे दिन बाबा बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार सुबह 10 बजे सजा। मंदसौर जिले में धर्म सभा का पहला ऐतिहासिक आयोजन हुआ, जिसमें लाखों की संख्या में भक्तजनों की उपस्थिति रही। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भक्तजनों की अर्जी स्वीकार कर उनकी समस्याएं बताई। वहीं दुख दर्द पर्चा बनाकर रख देते हैं, जिसका वाचन करवा कर उनके उपाय बताए, बालाजी की कृपा प्राप्त होने का आशीर्वाद दिए। इसके बाद उपस्थित विशाल जनसमुदाय की सामूहिक अर्जी स्वीकार कर उनके दुख दर्द व समस्याओं को दूर करने की बागेश्वर सरकार से विनती की। कैसी भी समस्या हो, घर पर लाल कपड़े में नारियल बांधकर टांग दें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, घर के ऊपर बागेश्वर धाम के नाम का भगवा ध्वज लगाएं, प्याज लहसुन का त्याग करें, बालाजी की कृपा प्राप्त होगी। दरबार के अंत में प्रेत बाधा से ग्रसित महिलाओं, पुरुषों, बालक बालिकाओं के मंत्र उच्चारण कर उनकी बाधाओं को दूर किया। कथा स्थल पर आए लोगों के लिए निःशुल्क भोजन व्यवस्था कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग और बालाजी सेवा समिति द्वारा की। वहीं हनुमंत कथा का कार्यक्रम रात में 8 बजे कन्हैया मित्तल के भजन संध्या का कार्यक्रम होगा। सुनिए ब्यूरो रिपोर्ट।
पर्यावरण संरक्षण के लिए पूरे विश्व में हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन हम इसके लिए कितने तैयार हैं? जिस प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया और हम कुछ नहीं लौटाएंगे तो हमारा विनाश तो ये कैसे हो? पर्यावरण संरक्षण विषय पर परिचर्चा में मेवाड़ विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर आलोक मिश्रा ने बात कही। विश्वविद्यालय के मदन मोहन मालवीय सेमिनार हॉल में आयोजित इस परिचर्चा में कुलपति डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि जिस तरह से पूरी दुनिया में प्रकृति का दोहन हो रहा है, उसके परिणाम दुखद परिणाम हैं और हमें भुगतने पड़ेंगे। इस अवसर पर रजिस्ट्रार आर राजा हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर शुभदा पांडे, एग्रीकल्चर विभाग डीन वाई, सुदर्शन शिक्षा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर महेश चंद दुबे सहित कई लोग मौजूद रहे। वहीं डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा व कुलपति के नेतृत्व में मिश्रा के नेतृत्व में पौधारोपण हुआ। विश्वविद्यालय के पदाधिकारी फैकल्टी उपस्थित रही। चित्तौड़गढ़ से एसके मीडिया के लिए सुनील निगम। जा रही जेसीबी चल रही और हो सकता है अगली दिन भी गायब हो जाए, दो चार हजार परसों लोग सब पत्थर भी हुई हो जाए, पूरा लैंडस्केप बायोस्फीयर सब चेंज हो जाए। तो ऐसी परिस्थिति में प्रकृति का स्वरूप भी बदलता है। और सबसे पांडे मैडम ने की बात कही वृक्षों की बात आई, कृषि की बात आई, बहुत अच्छा एक बात रही कि वृक्ष भी संत की तरह, वृक्ष भी संत पुरुष। भवानी मंडी सब्जी विक्रेताओं के आह्वान पर जन अभियोग निराकरण समिति के सदस्य राजेश गुप्ता करावन ने भवानी मंडी सब्जी विक्रेताओं से मुलाकात की और उनकी समस्याओं से रूबरू हुए। भवानी मंडी नगर पालिका द्वारा नवनिर्मित सब्जी मंडी का निर्माण किया जा रहा, सब्जी विक्रेताओं इसी को लेकर काफी दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। करावन ने पहुंचकर सब्जी विक्रेताओं को आश्वस्त किया कि नई सब्जी मंडी बनने से उनके हितों की कई भी अनदेखी नहीं होगी, जो भी जायद मांगे हैं नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा के साथ वार्ता कल हल करने का प्रयास किया जाएगा। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए। झालरापाटन के रहने वाले समीर गोनी ने हिमाचल प्रदेश ब्रिगू लीग की 14,107 फीट चढ़ाई की, वहां पर इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और दो दिन में चढ़ाई चढ़कर अपना मिशन कंप्लीट किया। झालरापाटन के रहने वाले समीर गोरी पुत्र सिद्धिक गोरी, उनकी रनिंग कम से कम 25 किलोमीटर की रही, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द एवरेस्ट। उनके साथ कुल 42 जनों की टीम थी, जिसमें से 4 जने ही उस ऊंचाई तक पहुँच पाए। मिस्टर समीर का कहना है कि काफ़ी दिक्कत आई चढ़ने में, फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं खोया। मेरे तीन और साथियों ने मेरा पूरा साथ दिया, मेरी चढ़ाई को चढ़ने में पूरा सहयोग किया। रोज 1,570 लोग ऊंचाई पर चढ़ने के लिए जाते हैं, पर अभी तक वहां कोई नहीं पहुंच पाया। हमारे साथ भी इतने लोग होने के बावजूद हम 4 जने ही वहां पहुंच पाए। देश में बस यही कहना है कि इंसान के सामने किसी भी कठिनाई आए, उसका कॉन्फिडेंस कभी कम नहीं होना चाहिए। भवानी मंडी से इसके। राज्य सरकार द्वारा जारी पट्टा योजना से गरीबों को वांछित रखे जाने व गरीबों के कॉलोनी निवासियों का पट्टे जारी करवाने के आदेश नगर पालिका को जारी कर गरीबों की बस्ती में जाकर वांछित लोगों को पट्टे के बारे में जानकारी घर घर जाकर दिलवाने को लेकर बहुजन समाज पार्टी भवानी मंडी इकाई द्वारा झालावाड़ इकाई के संयुक्त तत्वावधान में जिला कलेक्टर को जिला कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि बहुजन समाज पार्टी आम गरीबों को उनके घरों का मालिकाना हक देने के लिए अनुरोध करती है। भवानी मंडी शहर के कई गरीब बस्तियों और कॉलोनी निवासियों ने पार्टी से मौखिक शिकायत की। नगर पालिका में राज्य सरकार द्वारा पट्टा योजना चला रखी, परंतु इससे उन्हें वांछित रखा जा रहा, ना तो उन्हें इसके बारे में उनकी कॉलोनी में जाकर जानकारी दी और ना ही उन्हें उचित सहयोग करने लिए मदद की। भवानी मंडी ब्लॉक की आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गांव गांव जाकर जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया। मिश्रौली वायरा का खेड़ा गांव में जाकर लोगों से पार्टी के मुद्दों के बारे में बताया, अरविंद केजरीवाल की योजनाओं के बारे में अवगत कराया। 18 जून को केंद्र सरकार के खिलाफ महारैली का आयोजन किया गया, इसी को लेकर आह्वान आम लोगों से किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में श्रीगंगानगर चलने को लेकर निवेदन किया। वहीं पंजाब और दिल्ली सरकार की योजनाओं के बारे में भी लोगों को बताया। आपको बता दें कि 2023 चुनाव में पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। इस दौरान मीटिंग में अनिल कुमार पंकज, जमीरुल्ला, धर्मेंद्र सिंह चंद्रावत, गोविंद नागर, परशुराम नागर, भारत सिंह, अनिल कुमार पंकज 197 गुड़ानसभा भवानी मंडी से हैं।